सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर कैसे लगाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है और यहाँ पे टोटल हमने 6 पेजेस लिए हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखिए, नीचे यहाँ पर शो हो रहा है, ये पहला पेज दिखा रहा है, टोटल है 6 पेज, यानी 1 of 6। ठीक है, टोटल 6 पेज लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल हेडर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर ऊपर जो है डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, देखिए हेडर का ऑप्शन ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप कोई भी हेडर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं NUMBER नंबर 1। ठीक, ये हो गया हमारा हेडर। अब यहाँ पर टेक्स्ट में बीच में क्लिक करेंगे तो ऊपर की जो लाइन है वो हट गई। अब देखिए हेडर हर जगह हमारा नंबर वन आ गया। ठीक है, मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए हर जगह आपको नंबर 1 शो हो रहा है। देखिए नंबर 1 नंबर 1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमें चेंज करना है हेडर पेज नंबर 4 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे पेज पर जाएंगे लास्ट में। ठीक है, ये है पेज नंबर 1, इसके नीचे पेज नंबर 2 और इसके नीचे पेज नंबर 3, इसके लास्ट में चलते हैं, यानी कि यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है कर्सर रखेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, उसके बाद हमें जाना है ऊपर के रिबन में लेआउट टैब में, ये रहा लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब हम लेआउट टैब में क्लिक करेंगे तो नीचे हमको ऑप्शन मिलता है ब्रेक्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके ड्रॉपडाउन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करिए। तो जैसे हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कर्सर हमारा चौथे पेज पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ था, अभी यहाँ पर आ गया। ठीक है, चौथे पेज पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम हेडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब आप हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको, डिजाइन टैब, ये रहा डिजाइन टैब। ठीक, डिजाइन टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लिंक टू प्रीवियस, ये रहा लिंक टू प्रीवियस। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना हेडर चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 2। अब इसके बाद यानी कि पेज नंबर 4 से नीचे जितने भी पेज आप बढ़ाते जाएंगे सब में हेडर जो है नंबर 2 आएगा, और ऊपर पेज नंबर 4 से ऊपर यानी 1, 2, 3 जो पेज है उसमें नंबर 1 आएगा हेडर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हेडर जो है हमारा चेंज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आगे पेज नंबर 7 से या 6 से या 5 से फिर हेडर चेंज करना, तो फिर यही प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में बीच में क्लिक करते हैं और पेज का साइज थोड़ा छोटा कर दे ताकि क्लियर आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए पेज का साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिए, ये देखिए पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो है नंबर 1 है हेडर, यहाँ पे देखिए नंबर 1 नंबर 1। ठीक है, अब पेज नंबर 4 से देखिए नंबर 2 आपको शो होगा, ये देखिए नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2। तो इस तरीके से हम अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर जो है वो ऐड कर सकते हैं।